नमस्ते भैया, मेरा नाम रुक्मणी देवी है। मेरे समूह का नाम चंडिका माता समूह है, उसमें मैं अध्यक्षा हूँ। भैया, हमको ऐसे भी पता नहीं थी कि कभी हम इन मधुमक्खियों का पालन करें। मधुमक्खियाँ तो रहती थी, पर हमारे यहाँ महिलाएँ, उनसे कोई मतलब नहीं था। कि हम नहीं जानते थे कि उसका शहद काम आता है, उसका जो मोम बनता है वो काम आता है। हम कुछ भी नहीं जानते हैं। जब एटी इंडिया से आई भाई लोग, उन्होंने बताया कि इससे तुम्हारी आमदनी बढ़ेगी शहद से। उन्होंने पेटी के बारे में बताया, मधुमक्खियों के बारे में बताया, फ्रेम उठाना सिखाया, शहद निकालना सिखाया। उनको देख के हमको डर लगती थी। मधुमक्खी का शहद महिलाएं नहीं निकालती थी। पहले धुआं लगाया, चाहे मेरे हो चाहे दूसरों की हो, धुएं लगा दिया। और धुएं से कोई बाहर गए, कोई अंदर आए, कोई मर गए, पता ही नहीं कि कितने मर जाती थी। वैसे ही निकालते थे पुरुष निकाल, वो अपने गांव के कोई दूसरे गांव से मंगाना पड़ता था पुरुष को। काफ़ी शहद निकला, वो शहद निकल के 2-3 किलो निकला, 3-4 किलो निकला। वो तो 1 किलो तो अपने लिए रखा, और 3 किलो बाजार में वो 800 रुपये किलो के हिसाब से बेचा हमने। वो दिन में अपने लिए पराग लाते हैं, गेहूँ हो, सरसों का हो, अगर कोई भी फल हो, फूल हो, किसी पे भी बैठेंगे अच्छा हो जाता है। उसको रोटी के साथ दिखाते हैं, उसको खटाई में भी डालते हैं, हर जगह शहद का उपयोग करते हैं हम लोग। अगर किसी को खांसी हुआ, जुखाम हुआ, बलगम जम गया है या कुछ भी, उसमें शहद डालते हैं। खुशियाँ बहुत मिली कि हे इतने पैसे मधुमक्खियों से मिल रही है हमको। वो पैसे का तीनों बच्चों की पढ़ाई है, या कहीं भी जाना, देना लेना, हरेक कुछ वो उनसे उसकी पूर्ति हो जाती है। अब आएंगे, अब उनका सीजन आ रहा है, वो मधुमक्खी आएंगे तो हम एक मढ़ाई ऊपर है उस पर लगाएंगे, इस पर लगाएंगे, पेटी खरीदेंगे, फिर ले जाएंगे। हम ऐसे कहना चाहते हैं सब बहनों को, ऐसे ही आपकी आमदनी बढ़ानी चाहिए, किसी के पास जाके अपने हाथ नहीं फैलाना चाहिए।